अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ गीगा मॉल जा रही हूँ और अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं और हस्बैंड आउटिंग पे नहीं गए थे, तो आज हमने सोचा कि गीगा मॉल जा कर शॉपिंग भी कर ली जाए और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। गाड़ी आ चुकी है और अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। आज हम वर्किंग डे में जा रहे हैं गीगा मॉल, तो रास्ते में ट्रैफिक इतनी नहीं है क्योंकि हम शाम में लेट ही निकले हैं दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अमेज़ॉन मॉल है, यहाँ पे तमाम ब्रांड्स की फैक्ट्री आउटलेट्स अवेलेबल हैं। कुछ ही सेकेंड्स में हम गीगा मॉल पहुंचने वाले हैं। लें जी, अब हम गीगा मॉल पहुंच गए हैं और बस अब पार्किंग में हम ड्रॉप होते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हम ड्रॉप हो चुके हैं और ये गीगा मॉल का फ्रंट व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मॉल की एंट्रेंस है और अब हम यहाँ से एंटर होंगे मॉल में। अब मैं मॉल में एंटर हो गई हूँ और यहाँ पे गीगा मॉल हमने बेसिकली कुछ शॉपिंग करनी थी, हस्बैंड के लिए ऑफिस के कपड़े रिक्वायर्ड थे वो लेने थे हमने, इसलिए आज गीगा मॉल हमने विज़िट किया है क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स पे ऑफ लगा हुआ है। और साथ ही मुझे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए थी, तो गीगा मॉल में हम की एक शॉप पर आ गए, तो यहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल और प्यारी ज्वेलरी अवेलेबल है। ज्वेलरी है तो बहुत प्यारी बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं सोच रही हूँ कि मज़ीद शॉप्स विज़िट कर ली जाएँ। हम थोड़ा सा आगे आए तो मिनीसो की आउटलेट नज़र आई, तो हमने सोचा कि इसको भी चेकआउट कर लें। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ही क्यूट और कलरफुल होती हैं। इनके हैंडबैग्स की कलेक्शन बहुत प्यारी है और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। सामने मारिया बी की आउटलेट है और यहाँ पे भी 50% ऑफ लगा हुआ है और इनकी रेडी टू वेयर कलेक्शन जो है बहुत ही खूबसूरत है। हम इस वक्त गीगा मॉल के अपर ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये आप देख सकते हैं कि मॉल बहुत ही खूबसूरत है। मैं अक्सर गीगा मॉल अपने हस्बैंड के साथ विज़िट करती हूँ। यहाँ पे अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाती है और इसके अलावा इनका फूड कोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। सामने खाड़ी के आउटलेट है और फिर हम अब खाड़ी के आउटलेट में जा रहे हैं। यहाँ पर अभी सेल लगी हुई है, तो मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर ड्रेसेस चेक कर लेती हूँ। खाड़ी के आउटलेट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे इनकी स्टिच कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है। दिल तो कर रहा है कि सारे ही ड्रेसेस खरीद लूँ बट अपने बजट को भी देखना है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। खाड़ी से मैंने अपने हस्बैंड और अपने लिए एक ड्रेस परचेज कर लिया है।
और अब हम आउटलेट से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए एक ट्रेन भी चलाई जाती है जो कि बहुत ही कलरफुल है और बच्चे से बहुत ही इंजॉय करते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और इस फ्लोर पे भी ट्रेन मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पे घूमने के बाद अब हमें भूख लगना शुरू हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और फूड कोर्ट में जाके कुछ खाएंगे। हमने अपना मील ऑर्डर कर दिया है और अब हम वेट कर रहे हैं। ऑर्डर हमारा आ चुका है। ऑर्डर करना, मेन्यू डिसाइड करना, ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। ये काम मैं अपने हस्बैंड पे छोड़ देती हूँ, जो पसंद आए वो ऑर्डर कर लें। हमने बर्गर, बारबेक्यू रैप और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए हैं। हमने अपना मील फिनिश कर लिया है और अब हम फूड कोर्ट से बाहर आ गए हैं। वसीम बदामी की आउटलेट से मैंने एक परफ्यूम परचेज़ किया है। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू जल्दी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी। मॉल में गीगा के एक नए प्रोजेक्ट गीगा डाउनटाउन का एक मॉडल भी मौजूद है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शॉपिंग करने के बाद फिर हम दोबारा फूड कोर्ट में आ गए सॉफ्ट रेल में। मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम खानी थी, उनको यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी वो अच्छी लगती है। यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती हैं। आइसक्रीम हमने ऑर्डर कर दी है और अब हम वेट कर रहे हैं। जितनी देर में हमारा ऑर्डर आ रहा था उतनी देर में हमने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। हमारा ऑर्डर आ चुका है। मैंने वनीला ब्राउनी ऑर्डर की थी, मेरी हॉट फेवरेट है, और मेरे हस्बैंड जो है वो हर दफ़े एक नई फ्लेवर जो है वो ट्राई करते हैं, तो उनके फ्लेवर जो है उसका नाम मुझे याद नहीं रहा कौन सा उन्होंने ऑर्डर किया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जो आइसक्रीम है वो हम राइट हैंड से ही खा रहे हैं, लेकिन मोबाइल का फ्रंट कैम ओपन है जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि हम जो है लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं, बट आइसक्रीम हम राइट हैंड से ही खा रहे हैं। आइसक्रीम हमने खा ली और अब हम लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं। गीगा मॉल आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए। अब हम गीगा मॉल से एग्ज़िट कर रहे हैं। हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पार्किंग में गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मॉल की पार्किंग में बहुत ही प्यारी लाइटनिंग हुई हुई है और जैसे गाड़ी आती है तो फिर हम घर की तरफ रवाना होते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम गाड़ी में बैठने लगे हैं। लें जी, अब हम घर की तरफ चलते हैं। गीगा मॉल आते हुए हम बहरिया वाली साइड से आए हैं और वापसी पर हम DH2 वाली साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये नई रोड बनी है, ये बहुत खुली है और इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि आप
इस्लामाबाद बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाते हैं। फाइनली हम घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड से मिलवाते हैं। ये है मानो, ये हमारा वेट कर रही होती है और ये हमारे घर में ही रहती है। जब ये बाहर होती है तो जैसे ही कोई घर में आता है तो बेल बजती है, उसके बाद दरवाज़ा खुलता है तो दीवार फैलांगे बगैर आती है और ये दरवाज़े से ही अंदर जाती है। ये आप देख सकते हैं, हमने बेल बजा दिए, वेट कर रही है दरवाज़ा खुलने का। और ये दरवाज़ा खुला है, सबसे पहले ये अंदर गई हो और अब हम अंदर जा सकते हैं। हम अपने रूम में आ चुके हैं और सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं ऐसे ही बेड पे अभी। और आज हम बहुत थक गए हैं तो आज का व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।